हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का छठा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन को। इसके बाद जानेंगे लेंस मेकर सूत्र, जिसके बाद देखेंगे लेंस की क्षमता और अंत में संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को पहले विषय अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन से। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दर्पण के जैसे ही लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अभिसारी और अपसारी लेंस। और पिछले वीडियो में हम अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस से होने वाले अपवर्तन को समझ चुके हैं। इस भाग में हम अपसारी यानी कि अवतल लेंस से होने वाले अपवर्तन को समझेंगे और जानेंगे इस लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति और गुणों को। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसी वस्तु को लेंस के सामने अनंत दूरी पर मान लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रतिबिंब लेंस के सामने फोकस पर ही बनता है और लेंस के सामने की ओर बनने की वजह से ये प्रतिबिंब आभासी और साथ ही साथ सीधा होता है और इसका आकार बहुत ही छोटा यानी बिंदु आकार का होता है। दूसरी परिस्थिति में हम मान लेते हैं कि हमने वस्तु को लेंस के पास ही कहीं रख दिया। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है और प्रतिबिंब लेंस के सामने बनने की वजह से आभासी और सीधा होता है और इसका आकार वस्तु से छोटा होता है। आइए अब समझते हैं दूसरे विषय लेंस मेकर सूत्र को। दोस्तों, अगर हम एक लेंस को देखें तो इसमें हमें दो गोलीय पृष्ठ दिखाई देते हैं, जिसमें दोनों ही पृष्ठों की कुछ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है। आइए इस लेंस से बनने वाले किसी एक प्रतिबिंब को देखते हैं। तो मान लीजिए कि इस लेंस के कांच का अपवर्तनांक N2 है, जबकि आसपास में उपस्थित वायु का अपवर्तनांक N1 है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए हम लिख सकते हैं N2/V (N1/U) = N2/N1/R। तो अगर हम पहले पृष्ठ के लिए देखें तो इस सतह से बनने वाला प्रतिबिंब I' पर बनता है, जो इस सतह से V' दूरी पर है। तो इस सतह के लिए हम लिख सकते हैं N2/V' (N1/U) = N2/N1/R1। अब दोस्तों, लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब एक वस्तु के जैसे कार्य करता है, यानी कि दूसरी सतह के लिए वस्तु की सतह से दूरी होगी V', जो अपवर्तित होकर I पर इसका प्रतिबिंब बनाती है, जो लेंस के पृष्ठ से v दूरी पर है। तो इस दूसरी सतह से होने वाले अपवर्तन के लिए हम लिख सकते हैं N1/V (N2/V') = N1/N2/R2। अब इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो आता है N2/V' (N1/U) = N1/V (N2/V') जो बराबर होता है N2/N1/R1 = N1/N2/R2। और बाईं ओर से N2/V' धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में ही उपस्थित है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, जिससे हमारे पास बचता है N1/V / N1/U
बराबर N2 घटा N1 बटे R1 जमा N1 घटा N2 बटे R2, या इसे लिख सकते हैं N1 बटे V घटा N1 बटे U बराबर N2 घटा N1 बटे R1 घटा N2 घटा N1 बटे R2। तो दोस्तों, बाईं ओर से N1 कॉमन निकालने पर और दाईं ओर से N2 घटा N1 कॉमन निकालने पर समीकरण बन जाती है N1 ब्रैकेट 1 बटे V घटा 1 बटे U बराबर N2 घटा N1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2। अब बाईं ओर से N1 को अगर दाईं ओर लेकर जाया जाए तो ये जाता है हर में, जिससे अब ये समीकरण बन जाएगी 1 बटे V घटा 1 बटे U बराबर N2 बटे N1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2, या इसे लिख सकते हैं 1 बटे V घटा 1 बटे U बराबर N2 बटे N1 घटा 1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2। अब दोस्तों, जैसा कि हम लेंस समीकरण से जानते हैं कि 1 बटे V घटा 1 बटे U 1 बटे F के बराबर होता है, जिससे ऊपर वाली समीकरण को हम लिख सकते हैं 1 बटे F बराबर N2 बटे N1 घटा 1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2। आइए अब बात करते हैं लेंस की क्षमता की। तो दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता एक लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण की कोटि कहलाती है, और इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे डी से दर्शाया जाता है। दोस्तों, लेंस की क्षमता पी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, जिसमें फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम विषय, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन की ओर, जिसमें अगर हम किन्हीं दो लेंसों को एक साथ रखें तो उनके संयोजन की वजह से उनकी फोकस दूरी में बदलाव आता है। और अब इस संयोजन की कुल फोकस दूरी होती है 1 बटे F बराबर 1 बटे F1 जमा 1 बटे F2, जबकि इस संयोजन की क्षमता P इन लेंसों की पृथक क्षमता के योग के बराबर होती है, यानी कि P बराबर P1 जमा P2। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारे आज के वीडियो को, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज की इस वीडियो में हमने समझा अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन को, जिसके बाद हमने जाना लेंस मेकर सूत्र, जो होता है 1 बटे F बराबर N2 बटे N1 घटा 1 ब्रैकेट 1 बटे R1 घटा 1 बटे R2, और जिसे किसी निश्चित फोकस दूरी के लेंस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जिसके बाद समझा लेंस की क्षमता को, जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, और अंत में हमने देखा संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन को। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय।